हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और टेस्टी, हेल्दी एंड इंस्टेंट रेसिपी, स्वीट कॉर्न डोसा। ये हम बनाएंगे फ्रेश भुट्टे के साथ, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ज़्यादा जल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो इसके लिए मैंने लिया एक फ्रेश भुट्टा लेकर इसको हमें छिल लेना है। तो मैंने छिल के भुट्टे के दाने अलग कर लिए। यहाँ पर मैंने फ्रेश भुट्टा यूज़ किया है, आप चाहो तो फ्रोज़न वाले भी यूज़ कर सकते हैं, बट फ्रेश भुट्टे से बनाने से वो ज़्यादा हेल्दी भी रहेगा और टेस्टी भी रहेगा। उसके अलावा ये है एक कटोरी चावल, इसे धो के हमें अराउंड 1 या 2 घंटे तक भीगने रख देना है। अब ये है नमक, जीरा, अदरक, हींग, 2 हरी मिर्च और करिया पत्ता। तो सबसे पहले मैंने मिक्सी का जार लिया है और मैंने चावल को 2 घंटे भीगने रख दिया है। तो चावल को अभी मैं डाल रही हूँ मिक्सी के जार में, डालकर इसे हम लोग एक बार अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। आप चाहो तो चावल को स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ स्वीट कॉर्न से भी डोसा बना सकते हैं, बट चावल डालने से उसमें थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आता है। अभी मैंने चावल को ग्राइंड कर लिया है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कटोरी भुट्टे के दाने। मैंने 1 कटोरी चावल लिया है और 2 कटोरी स्वीट कॉर्न ले रही हूँ। इनको डालकर अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसका मैंने छिलका उतार लिया है, तोड़ के मैं डाल रही हूँ, और 2 हरी मिर्च, अराउंड 1 टीस्पून जीरा, करिया पत्ती, थोड़ा सा हींग और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालकर इसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। अभी मैंने इसे एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, अब मैं इसे निकाल रही हूँ मिक्सिंग बाउल में निकाल कर इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें जो जार में बैटर लगा है उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम लोग इसी में डाल देंगे, तो इसका जो कंसिस्टेंसी है वो हमारे नॉर्मल डोसा का जो बैटर होता है वैसे रहना चाहिए। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाला है, पानी डालकर अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे अगर आपको और भी इंस्टेंट बनाना है और आपको चावल भिगाने के लिए टाइम नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा भी 1/2 कटोरी डाल सकते हैं। अभी मैंने एक पैन रखा है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर टिश्यू पेपर से क्लीन कर रही हूँ ताकि तवे का टेम्परेचर नॉर्मल हो। उसके बाद मैंने 1 स्पून बैटर लेकर तवे के ऊपर डाल दिया है, डालकर इसको मैं अच्छे से फैला रही हूँ। फैलाने के बाद इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हरा धनिया और प्याज डालकर, उसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल, आप चाहो तो थोड़ा सा घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब ऑयल डाल के इसे मैं थोड़ी देर अच्छे से सिकने दे रही हूँ। जैसे ये सिक गया है अभी मैं इसे पलट रही हूँ। पलटने के बाद इसे हमें थोड़ी देर और अच्छे से सिकने देना है। जैसे ये थोड़ा सा सिक जाएगा उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। अब दूसरी तरफ से भी ये अच्छे से सिक गया है, मैं इसे निकाल रही हूँ प्लेट में। मैं आपको एक और डोसा बना के दिखा रही हूँ, आप चाहो तो सिंपल भी बना सकते हैं, जैसे बिना प्याज बिना हरा धनिया डालें। अभी मैं तवे के ऊपर 1 स्पून और बैटर डाल रही हूँ। बैटर डालकर इसे मैं अच्छे से फैला रही हूँ, जैसे हम लोग नॉर्मल डोसा बनाते हैं वैसे ही। ये डोसा इंस्टेंट है, इसे फर्मेंटेड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे तुरंत ग्राइंड करो, तुरंत भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने चावल का यूज़ किया है थोड़ा सा क्रिस्पीनेस के लिए, आप सिंपल स्वीट कॉर्न से भी बना सकते हैं, या फिर आप क्रिस्पीनेस के लिए थोड़ा सा चावल का आटा या थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हैं। अब ये भी सीख गया है, अब मैं इसे भी निकाल रही हूँ। निकाल कर इसे मैं सर्व करूँगी नारियल की चटनी के साथ। आप इसे जिसके साथ चाहे उसके साथ सर्व कर सकते हैं, या सिंपल ऐसे भी खाओगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब आप भी ये इंस्टेंट स्वीट कॉर्न डोसा ज़रूर बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।